हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हमने देखा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलार कंडक्टेंस। आज के टॉपिक में हम देखेंगे व्हाट इज लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो आज के टॉपिक में जो हमको एक बार रिवाइंड करना है, पहला पॉइंट है ऑन डाइल्यूशन सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, बढ़ता है। डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिस्टेंस अगर बढ़ा तर अट्रैक्शन काय होईल, नक्कीच कमी होईल आणि मोलार कंडक्टन्स वाढेल। आता इथं आपण सांगितलं होतं बघा, अट्रैक्शन कमी झाल्यामुळे मोबिलिटी आयन्सची काय होते, वाढते। मोबिलिटी आयन्सची वाढते हा पॉइंट आपण सांगितला होता, राईट। मग आता मोलार कंडक्टन्स वाढते, सो डायल्युशन केल्यानंतर ते मोलार कंडक्टन्स रिचेस टू द मॅक्सिमम व्हॅल्यू, दॅट मोलार कंडक्टन्स इज रिचिंग टू द मॅक्सिमम व्हॅल्यू फॉर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो आपण डायल्युशन करतोय तर मोलार कंडक्टन्स काय होत जाईल, वाढत जाईल, वाढत जाईल, वाढत जाईल आणि एक असा पॉइंट येईल तिथं तो मोलार कंडक्टन्स जो आहे तो काय होईल, मॅक्सिमम व्हॅल्यू गेन करेल। ओके, सो आफ्टर रिचिंग दॅट मॅक्सिमम व्हॅल्यू, आफ्टर रिचिंग दॅट मॅक्सिमम व्हॅल्यू, जर आपल्याला सांगितलं की ती व्हॅल्यू किती असू शकते किंवा ती व्हॅल्यू आपण कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो, ती व्हॅल्यू आपण कशी कॅल्क्युलेट करू शकतो, तर त्यासाठी आपल्याला एक ग्राफिकल यूज आहे। वी हॅविंग वन ग्राफ दॅट इज कॉल्ड ग्राफ ऑफ से लैम्डा एम वर्सेस स्क्वेअर रूट ऑफ सी, ग्राफ और लैम्डा एम वर्सेस स्क्वेअर रूट ऑफ सी। ओके, नाउ ह्या ग्राफ मध्ये से ऑन दिस एक्सिस वी आर हैविंग लैम्डा एम, ऑन दिस एक्सिस वी आर हैविंग स्क्वेअर रूट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन आणि इथे काय यूज करणार आपण, दॅट लॅम्डा एम। ओके, नाउ आपण एखादा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट घेतला लाईक से एनएसीएल। ओके, आता हा एनएसीएल जेव्हा आपण कॉन्सन्ट्रेशन कमी करत जाऊ म्हणजे काय करू, डायल्यूट करू त्या सोल्युशनला, दॅट सोल्युशन इज डायल्युटेड बाय ऍडिशन ऑफ सॉल्व्हंट, बाय ऍडिशन ऑफ सॉल्व्हंट। तर बघा मित्रांनो, या साईडला लेफ्ट टू राईट आपण जेव्हा जाऊ तर कॉन्सन्ट्रेशन काय होत आहे, वाढत आहे, आणि राईट टू लेफ्ट जेव्हा आपण येऊ दॅट कॉन्सन्ट्रेशन काय होत आहे, कमी होत आहे। सो दिस व्हॅल्यू इज झिरो। नाउ एनएसीएल ते आपण घेतलेलं आहे सी वन कॉन्सन्ट्रेशन, सी टू कॉन्सन्ट्रेशन, सी थ्री कॉन्सन्ट्रेशन, सी फोर कॉन्सन्ट्रेशन। सी वन असं कन्सिडर आहे, होता एक मोलार, इथे थोडस पाणी टाकलं आपण 0.25 मोलार, आणखी पाणी टाकलं 0.1 मोलार, आणखी पाणी टाकलं 0.01 मोलार अँड सो ऑन। ओके, या टाईपमध्ये आपण कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे अगोदर होतं 1, नंतर 0.25, नंतर 0.1, नंतर 0.01, म्हणजे आपण पाणी टाकत गेलोय आणि हे कॉन्सन्ट्रेशन काय झालं, कमी झालं। ओके, मग आता जेव्हा आपल्याला एनएसीएल सारखा एखादा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट बघितला तर हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहेत ते दिस विल बी कॉन्सन्ट्रेशन वन, जे कॉन्सन्ट्रेशन हे होतं मोलार कंडक्टन्स आपल्याला हा भेटला। देन दिस इज ऍट कॉन्सन्ट्रेशन टू, देन दिस इज ऍट कॉन्सन्ट्रेशन थ्री, देन दिस इज ऍट कॉन्सन्ट्रेशन फोर। ओके, म्हणजे जेव्हा आपण स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट घेतोय तर हे कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला देत आहेत वन स्टेट लाईन, म्हणजे आता इकडे काय होत आहे, कॉन्सन्ट्रेशन कमी होत आहे आणि ही लॅम्डा एम ची व्हॅल्यू मोलार कंडक्टिव्हिटी काय होत आहे, वाढत आहे। ओके, मग ही व्हॅल्यू आपण जर ह्या पॉइंटला आता ग्राफिकली एक्स्ट्रापोलेट केला तर आपल्याला इथे इंटरसेप्ट भेटतोय फॉर लॅम्डा एम। ही व्हॅल्यू आता काय असेल, दिस विल बी कॉल्ड एज लॅम्डा
m infinity, that is called lambda m infinity. So इसके आगे lambda m ये NaCl का नहीं बढ़ सकता. इच्छा समूह lambda m का हो सकत नहीं है, वाढ़ू सकत नहीं. So that is what या value ला अपन काम करना maximum value, and that is at lambda m infinity. अतः या lambda m infinity ला अपन मानते हैं lambda zero molar conductivity. So this is at zero concentration and this is at infinite dilution. तर हे आहे strong electrolyte साठी. आता जेव्हा आपण weak electrolyte साठी जातोय, जेव्हा आपण जातोय weak electrolyte कडे, तर weak electrolyte म्हणजे काय, ज्याची अल्फा वैल्यू खूप कमी असते, ज्याची अल्फा वैल्यू खूप कमी असते आणि तो कधीच कंप्लीट ब्रेक होत नाही. That will never get breaking completely. ओके, म्हणजे आता इथं आपण हा जो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट घेतला तसाच एक वीक इलेक्ट्रोलाइट घेऊया, CH3COOH. सो दिस इज से स्ट्रॉंग अँड दिस इज वीक, इट इज वीक. आता वीक इलेक्ट्रोलाइट साठी हा जो ग्राफ भेटतो आपल्याला, हा ग्राफ भेटतो लाइक दिस. ओके, म्हणजे हा ग्राफ आहे वीक इलेक्ट्रोलाइट साठी, वीक इलेक्ट्रोलाइट, आणि हा ग्राफ आहे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक आहे, म्हणजे स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट साठी आपल्याला ही व्हॅल्यू तर काढता येईल, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट साठी, कारण हा ग्राफ कधीच इंटरसेक्ट होत नाही. रीजन, वीक इलेक्ट्रोलाइट विल नेवर हॅव that alpha value equal to 1. That will never have that alpha value equal to 1. So hi value aplyala kadhi bhetnar nahi. Thik hai, mag hya graph pramane apan kay sanghu shakto, by using this graph we can find out lambda m infinity for only strong electrolyte. For only strong electrolyte, the lambda m infinity can be calculated. So how we can calculate this for weak electrolyte? So by this graphical method, we cannot find out lambda m for weak electrolyte. So उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको नया कुछ technique use करना पड़ेगा, so that we can find out the lambda m value of weak electrolyte at infinite डायल्यूशन, दैट इज एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हमको क्या चाहिए, अभी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्ब्डा एम कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो उसके लिए वी आर हैविंग कोहलर्स लॉ. वी आर हैविंग कोहलर्स लॉ. सो व्हाट इज दिस लॉ, इट इज रिलेटेड और इट इज एक्चुअली रिलेटेड द लैम्ब्डा एम वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. लैम्ब्डा एम वैल्यू किसका, दैट इज ऑफ कैटायन एंड एनायन. कैटायन एनायन ची लैम्ब्डा एम वैल्यू अपने फाइंड आउट कराई है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. आता अपने माहिती है ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन काय होते, डिस्टन्स बिट्वीन आयन्स इज इंक्रीजिंग. ओके, आता डिस्टन्स वाढलं त्याच्यामुळे काय होईल, attraction will go on decreasing. Attraction kami zalo, kay hoil cation and anion will act as independent ions.
those will act as independent ions. Okay. Now, Haas ko law hai. Ata te ions are independently acyl means they have no attraction. They have no attraction with each other. Okay. And this Kolar's law will identify this one. काय सांगितलं बघा, कोलार्स लॉ इज रिलेटेड विथ लॅम्बडा एम इन्फिनिटी, किंवा आपण यालाच काय म्हणू शकतो, लॅम्बडा एम ऍट झिरो कॉन्सन्ट्रेशन. सो दॅट इज रिलेटेड विथ कॅटायन का लॅम्बडा एम ऍट इन्फायनाइट डायल्युशन, एनायन का लॅम्बडा एम ऍट इन्फायनाइट डायल्युशन. सो डायल्युशन का कॅटायन और एनायन पे इफेक्ट क्या है, तर कॅटायन एनायन वर काय इफेक्ट आहे, जसं जसं आपण डायल्युशन वाढवू तसं तसं डिस्टन्स काय होते, मॅक्सिमम. अट्रॅक्शन काय होते, कमीत कमी किंवा मिनिमम. एक पॉइंट ऑफ डायल्युशन असा येईल जिथे दीज आयन्स विल बी हॅव्हिंग नो अट्रॅक्शन ऍट ऑल अँड दीज आयन्स विल ऍक्ट ॲज इनडिपेंडंट आयन्स. ओके, नाव दीज आयन्स ॲज दे विल ऍक्ट ॲज इनडिपेंडंट आयन्स दे विल मूव्ह फ्रीली. They will be having highest mobility, highest mobility, and they will be independent of each other. They are independent of each other. Okay, this is what the point. आता कोलार्स लॉ ची स्टेटमेंट काय येईल मग बघा ना. कोलार्स लॉ जेव्हा आपल्याला सांगायचं आहे, स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू दिस पार्ट, जो ही आपण पार्ट सांगितलेला आहे आता. ओके, तर स्टेटमेंट काय आहे, स्टेटमेंट आहे ते ऍट इनफायनाइट डायल्युशन, ते ऍट इनफायनाइट डायल्युशन, at infinite dilution molar conductance of cation and anion are independent of each other. So at infinite dilution, molar conductance of cation and anion are independent of each other. कारण ते एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नाही आहे, ते एकमेकांच्या अट्रॅक्शन मध्ये नाही आहे. सो दे विल ऍक्ट ॲज इंडिपेंडंट आयन. दिस इज वॉट the statement for Kolar's law. Okay, मग आता हा लॉ आपण वीक इलेक्ट्रोलाइट साठी कसा वापरू शकतो ते बघा. आता एकदा रिकॉल करा, आपण ग्राफ प्लॉट केला होता असा, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट लाईक दिस, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाईक दिस. ओके, मग आता ह्या ग्राफला आपण सांगितलं होतं की लॅम्बडा एम व्हॅल्यू भेटू शकते आपल्याला फॉर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, ही व्हॅल्यू आपल्याला भेटू नाही शकत फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक आहे, मग ही व्हॅल्यू आपल्याला ह्या ग्राफिकल मेथडनी नाही भेटणार, आपण काय करणार, कोलार्स लॉ युज करणार. मग आता कोलार्स लॉ आपण कसा युज करणार, तर कोलार्स लॉ युज करताना आपल्याला कॅटायन आणि एनायन कडे बघायचं आहे. सो व्हॉट इज कॅटायन, अभी देखो मेरे पास आहे ते लॅम्बडा एम at infinite dilution for NaCl. So as per this law हम क्या लिख सकते, lambda m of NaCl अगर हमको calculate करना है तो we can calculate lambda m at infinite dilution for Na plus and lambda m at infinite dilution for Cl minus. Cl minus. अब ये Na plus इसका कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन हम कहां से भी
वॉटिकॉन्स ऑप्टेन कर सकते कुछ नहीं ऑप्टेन करू शको याचा जो लैम्डा एम ची वैल्यू आहे ही पण आपण कुठूनही ऑब्टेन करू शकतो जर आपल्याला एनएससीएल ची वैल्यू पाहिजे असेल तर तो सीएल अभी एने के साथ में है या के साथ में है या किसी के भी साथ में है उसका कंडक्टेंस मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कांस्टेंट कांस्टेंट एनए प्लस माइनस सीएल के साथ है माइनस बीआर के साथ है माइनस किसके भी साथ है एंड इफ इट इज शोइंग एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो उसका जो मोलार कंडक्टेंस है दैट विल बी आल्सो कांस्टेंट कब कांस्टेंट है ये से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये भी कब कांस्टेंट है से एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हा एनए प्लस का जो कंडक्टिविटी अपने भेटलेली आहे ती कंडक्टिविटी अपन कुठे ही वापरू शकतो जर आपल्याला गरज असेल तर याला आपण कुठेही वापरू शकतो जर आपल्याला गरज पडली तर राइट म्हणजे आता ही एनए प्लस ची कंडक्टिविटी आपल्याला जर पाहिजे एनए बी आर मध्ये आपण यूज करू शकतो ही कंडक्टिविटी आपल्याला पाहिजे सी एस थ्री सी ओ ओ एनए मध्ये दॅट इज सोडियम ऍसिटेट मध्ये आपण ही यूज करू शकतो सीएल मायनस ची इथं जे ही कंडक्टिविटी आपल्याला भेटेल ती आपण केसीएल मध्ये यूज करू शकतो ती आपण ते एनएसीएल मध्ये यूज करू शकतो ती आपण कुठल्याही सीएल मायनस कंटेनिंग कंपाउंड मध्ये यूज करू शकतो का कारण ती ऍट इनफाइनाइट डायल्यूशन कॉन्स्टंट आहे हे पण आपण का यूज करू शकतो बिकॉज इट इज कॉन्स्टंट ऍट इनफाइनाइट डायल्यूशन तर हा आहे माझा कोलार्स लॉ नाउ हाउ टू अप्लाय दिस कोलार्स लॉ फॉर से वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक CH3COOH एसिटिक एसिड सारख्या एखाद्या वीक इलेक्ट्रोलाइट साठी आपण याला कसं यूज करू शकतो ओके आता कंसिडर करा आपल्याला लॅम्डा एम ची वैल्यू फाइंड आउट करायची आहे कोणासाठी एसिटिक एसिड साठी आता एसिटिक एसिड आपण का घेतला बिकॉज इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट ओके सो इसका अल्फा वैल्यू विल नेवर बी वन याचा अल्फा वैल्यू कधीच एक नसेल म्हणून आपल्याला ग्राफिकल मेथडने याची वैल्यू भेटणार नाही मग आता जेव्हा आपल्याला लॅम्डा एम पाहिजे एसिटिक ऍसिडचा आपण काय घेणार कॅटायन ह्याचा आणि एनायन तो लॅम्डा एम याची ब्रेकिंग काय होत आहे सी एच थ्री सी ओ ओ मायनस ऍट दोनों भी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे ओके प्लस लॅम्डा एम ऑफ एच प्लस से एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पर हमको पता है एसिटिक एसिड का जब हमने ब्रेकिंग किया तो इसका आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कंडक्टेंस कभी भी नहीं मिलेगा फॉर वन मोल क्यों तो ये वन मोल कभी भी जनरेट नहीं होगा फ्रॉम दिस हेच्यापासून एक मोल कधीच भेटणार नाही आपल्याला कारण त्याची अल्फा वैल्यू कधीच एक नसेल मग आपण काय करणार असा एखादा कंपाउंड घेणार ज्यामध्ये लॅम्बडा एम ची वैल्यू ह्याची भेटून जाईल आपल्याला मग तो कुठला घेणार तर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट कुठून घेणार बाय दॅट ग्राफिकल मेथड ओके सेम इज ऍप्लिकेबल फॉर दिस वन मग आता एखादा स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आपण कन्सिडर करूया ते यासाठी आपण कन्सिडर करतोय सी एस थ्री सी ओ ओ याने हा साल्ट आहे तर डेफिनेटली दिस इज स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट ह्याच्यासाठी आपण कन्सिडर करूया एच सी एल सो दिस इज स्ट्रॉंग ऍसिड and this is salt so definitely it is also strong electrolyte okay. mag
यामध्ये आपल्याला जी CH3COOH- ची व्हॅल्यू भेटणार आहे लॅम्डा एम साठी ती आपण पुट करणार इथे. यामध्ये जी आपल्याला एच प्लस ची व्हॅल्यू भेटणार आहे लॅम्डा इन्फिनिटी साठी ती आपण इथं पुट करणार आहे. म्हणजे जेव्हा आपल्याला ऍसिटिक ऍसिडची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे ऍट इन्फायनाइट डायल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, इसका व्हॅल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दिस वन, इसका व्हॅल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दिस वन. बट आपने ये नोटिस किया क्या, यहां पे एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, एक एन ए प्लस आ रहा है, एक सी एल माइनस. तो ऐसा एखादा इलेक्ट्रोलाइट हम ढूंढेंगे जिसमें एन ए प्लस और सी एल माइनस है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है हमारा, एन ए सी एल. मतलब यहां पे आपको ये एन ए का जो हमको नहीं चाहिए यहां पे कंडक्टिविटी मिलेगा, सी एल का जो हमको यहां पे नहीं चाहिए वो कंडक्टिविटी मिलेगा, राइट. तो इसका अब ये तीनों के लिए लैम्डा एम के वैल्यूज क्या क्या है, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए विल बी लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस एंड एन ए प्लस, ठीक है. दूसरा है लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ से एस सी एल एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस इज फॉर एच प्लस, ओके. एंड लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सी एल माइनस. तो अभी हमको इसमें से क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, एन ए प्लस एंड सी एल माइनस. तो हम और एक पॉइंट लेंगे, और एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, कौन सा है वो इलेक्ट्रोलाइट, एन ए सी एल. तो लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एन ए प्लस एंड से लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सी एल माइनस. देखो अभी ट्रिक क्या है, ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं थ्योरी में लिखने के लिए हमको, और ऑब्जेक्टिव में इसको बहुत कम टाइम लगेगा. क्या है, देखो हमको क्या चाहिए, इसमें का ये पार्ट चाहिए, इसका मोलार कंडक्टेंस को प्लस करो. इसमें से चाहिए क्या, यस एच प्लस का चाहिए, इसको ऐड करो. ये दोनों भी नहीं चाहिए हमको, इसको माइनस करो. तो व्हेनेवर, अभी देखो इसका कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमने यूज किया एक सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए, सोडियम एसिटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड. तो इसको हम फॉर्मूला में कैसा लेके जाएंगे, अभी हमको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू किसका चाहिए, इसका सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस का. तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ एच इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एच सी एल माइनस, जो हमको दोनों भी नहीं चाहिए, देखो तो दोनों ही नहीं पाहिजे म्हणून आपण त्याला काय केलं, माइनस केलं, ऑफ एन ए सी एल. तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो दिस इज लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस एन ए भी है उसके साथ, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एन ए प्लस, ये हो गया सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस और एन ए प्लस. अभी दूसरा है, अभी दूसरा है से लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एच प्लस. Lambda m infinity of h plus. Okay, HCl साठी plus Cl minus पण आहे बघा. Lambda m infinity of Cl minus. आता हे दोन्ही इथं काय होतील, minus होतील. So minus Lambda m infinity of Na plus minus Lambda m infinity of Cl minus. So अगर आपने यहां पे नोटिस किया
हम ये दोनों पॉइंट्स को क्या कर सकते, कैंसिल कर सकते ये दोनों पॉइंट्स को क्या कर सकते कैंसिल। देखो इधर एन ए प्लस प्लस में है, इधर एन ए प्लस माइनस में है, तो ये दोनों को कैंसिल कर दो। ओके इधर सीएल माइनस जो है वो प्लस है, इधर सीएल माइनस जो है प्लस है, माइनस कर दो। आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एच प्लस। देखो ये दोनों ही बचे वाले यहां पे, ये कैंसिल नहीं हुआ और ये कैंसिल नहीं हुआ, तो ये यहां पे लिख दिया, तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है, मतलब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, अगर एसिटिक एसिड का लैम्बडा एम इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए का लैम्बडा इन्फिनिटी एड करेंगे किसके साथ, एच सी एल के साथ, और उसमें से NaCl का लैम्बडा इन्फिनिटी हम माइनस करेंगे। तो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ दिस कोलाश लॉ, ठीक है, जो कि हम ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके आता मग हे फाइंड आउट नहीं करू शकत अपन ग्राफिकल मेथड मध्ये, तर हा लॉ आपल्याला वापरायचा आहे कोलाश लॉ। आणखी एक ऍप्लिकेशन आहे बघा ह्या कोलाश लॉचा, आणखी एक ऍप्लिकेशन आहे, वी कॅन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फाइंड आउट, कैसे, व्हाट इज अल्फा वैल्यू, That is called degree of dissociation. क्या है ये, number of moles dissociated, number of moles dissociated divided by total moles. ये आपका देखो मोल कंसेप्ट का डेफिनेशन, what is the degree of dissociation? अभी देखो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, वही मोल्स हमको क्या कर रहे हैं कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, तो दिस विल बी यूज्ड एज लैम्बडा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, जो कि वहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन कौन से टर्म में मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन हमको मिलेगा लैम्बडा एम के टर्म में, और इसके जगह हम यूज क्या करेंगे लैम्बडा एम इन्फिनिटी, लैम्बडा एम इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि हमको पता है जितने मोल्स है एक मोल में, जितने भी व्हाट कैन से पार्टिकल्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, वो कंप्लीट ब्रेक होने के बाद ही हमको ये वैल्यू मिलेगा, वो कंप्लीट ब्रेक होने के बाद ही हमको ये वैल्यू मिलेगा। ओके तो इसको आप लिख सकते लैम्बडा एम मोलार एट इन्फिनिट, लैम्बडा एम मोलार एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, सो हाउ टू फाइंड आउट अल्फा वैल्यू, This is say lambda m molar at given concentration divided by lambda m molar at infinite dilution, right? So जहां पे this lambda m molar at given concentration, this is molar conductance. मोलार कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, गिवन कॉन्सेंट्रेशन ये आपको गिवन डेटा में रहेगा, देन वी कैन हैव लैम्बडा इन्फिनिटी मोलार, व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस इज व्हाट, हाउ टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर
वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हमने देखा हाउ टू फाइंड आउट लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और सेकेंड है व्हाट इज अल्फा वैल्यू एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये दोनों भी पॉइंट, ये दोनों भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोलास लॉ। अभी जब हम इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो ये अल्फा वैल्यू जो है तो उसको हम यूज कर सकते टू फाइंड आउट डिसोसिएशन कांस्टेंट, टू फाइंड आउट डिसोसिएशन कांस्टेंट, और एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आएगा वहां पे, बट यहां पे ये दोनों ही एप्लीकेशन हमारे काम के है। ओके, तो आज का जो रेगुलर क्लास था उसमें थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आज भी आया था शायद, आपको ये क्लास पूरा आप देख नहीं पाए, तो मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। ऑलमोस्ट ये एक घंटे का क्लास था तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करने का कोशिश किया अभी टूवर्ड दी एंड। ठीक है, अभी और एक पॉइंट है, जाते जाते हम इसको भी रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। हमारे पास चार डिफरेंट टर्म्स हैं, चार डिफरेंट टर्म्स है, देखो कौन से अभी हमने बोला था, एक बार बोला देखो मोलार कंडक्टेंस, एक बार बोला मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक बार बोला मोलार कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, अभी एक बार हमने देखा था देखो ग्राफ के हिसाब से, ग्राफ पे हमने देखा था वो जो वैल्यू है वो मैक्सिमम मिल रहा है हमको, दैट इज व्हाट इज मैक्सिमम मोलार कंडक्टेंस, और उसी का दूसरा नाम क्या रहेगा लिमिटिंग मोलार, क्योंकि लिमिटिंग क्या था देखो, ये एक पॉइंट देखो, ये हमने ये ग्राफ लिया और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इधर था कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट, इधर था लैम्डा एम का वैल्यू, राइट। अब ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे मैक्सिमम मोलार कंडक्टेंस, इज मैक्सिमम मोलार कंडक्टेंस। अभी इसका ही दूसरा नाम क्या है देखो, ये लिमिट कर रहा है, इसके आगे अभी मोलार कंडक्टेंस बढ़ सकता है क्या फॉर दैट गिवन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, बढ़ सकता है क्या, नहीं, सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस। अब ये लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस को अभी हमने जो तो दो टर्म्स यूज करे थे, एक था मोलार कंडक्टेंस, मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक था, और दूसरा क्या था इसको हमने लिखा था लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दूसरा है मोलार कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये लैम्डा एम इन्फिनिटी और ये क्या है लैम्डा एम जीरो, मैक्सिमम मोलार कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस, ये चारों भी टर्म्स कंफ्यूज नहीं होना है, दीज ऑल टर्म्स आर सेम, ये सभी के सभी टर्म्स क्या है सेम है। ओके, इसमें कंफ्यूजन मत रखो। ओके, अभी जब जेई में ज्यादातर तो इसको हम लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस के लैंग्वेज में बात करते हैं। ओके, दिस इज रेगुलरली यूज्ड इन जेई। ओके, सो दिस इज व्हाट विल हैपन और बढ़िया से मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आज का हमारा टॉपिक था। ओके, तो ये टॉपिक में हमने पढ़ा हाउ द मोलार कंडक्टेंस विल वैरी, हाउ द मोलार कंडक्टेंस विल वैरी विथ डाइल्यूशन, दूसरा पॉइंट बोला मैक्सिमम मोलार कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग के लिए कैसा मिलता है, दैट इज व्हाट बाय यूजिंग दैट ग्राफिकल मेथड, एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी कैनॉट फाइंड आउट दैट, तो उसके लिए हमने क्या किया कोलार्स लॉ यूज किया,
कोलार्ड लॉ क्या है, मैक्सिमम जब हमने सॉल्वेंट को ऐड किया, इनफाइनाइट जब वो सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, तो वो सॉल्यूशन ऑर्गेन्स से उसमें जो भी कैटायन से और एनायन से वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, और इंडिपेंडेंटली एक्ट करने के बाद दे विल एक्ट और दे विल शो देयर ओन कंडक्टिविटी इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन जिसके साथ वो पहले था. ओके, सो दिस इज व्हाट द पार्ट फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विथ न्यू कॉन्सेप्ट. थैंक यू.